दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज साइज एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए से लेकर करीब 550 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। अब इतना पैसा सिर्फ उसे बनाने में ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर कई तरह की टेस्टिंग की जाती है, उसका भी इंक्लूडेड होता है। अब एयरलाइन वाले प्लेन की टेस्टिंग में करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका अंजाम हद से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको सभी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कि एक प्लेन को पहली बार उड़ाने से पहले की जाती है। आप बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी प्लेन हवा में होता है उसके ऊपर अलग अलग मौसम का दबाव पड़ता है, जैसे कि कभी बारिश, कभी बर्फ और कभी तो बहुत ज्यादा गर्मी से भी प्लेन को निकलना पड़ता है। अब अगर प्लेन इसमें फेल हो जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर इंजन की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले उस पर वाटर टेस्टिंग जरूर की जाती है। हमें पता है कि प्लेन के इंजन के अंदर बहुत तेज गति में भारी मात्रा में पानी अंदर जाता है और इसलिए इसमें वाटर इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में 800 कैरन पानी पर मिनट के हिसाब से प्लेन के इंजन में डाला जाता है और ये टेस्ट इसे देखने के लिए होता है कि क्या ये इंजन भारी बारिश और तेज तूफान का सामना भी कर पाएगा या नहीं। इसके बाद जब मौसम ठंडा होता है तो उस केस में इसके इंजन में अलग अलग तरह के बर्फ के टुकड़ों को इसमें फेंका जाता है और चेक किया जाता है कि प्लेन पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में कितने समय तक वापस आएगा। अब दोस्तों, अगले नंबर पर एक ऐसी टेस्टिंग है जो आपको सुनने में भी बहुत अजीब लगेगी। दरअसल जब प्लेन हवा में होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि जहाज की प्रोपेलर्स में कोई बर्ड वगैरह ना आ जाए। अब इतना सा इंसिडेंस भी कई बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देता है और कई बार तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाती है। दरअसल इससे बचने के लिए इस कंडीशन में टेस्ट करने के लिए इंजन में मैन्युफैक्चरर प्लेन के इंजन में मरे हुए बर्ड्स को फेंकते हैं ताकि वो देख सके ये प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल भी पाएगा या नहीं। इसके अलावा वो विंडशील्ड पर भी बर्ड या चिकन को बहुत तेज गति से फेंक कर देखते हैं कि ये विंडशील्ड इतनी स्ट्रांग भी है या नहीं। अब बर्ड स्ट्राइक की वजह से एक बार पहले भी हडसन रिवर में इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। अब दोस्तों, तीसरी मेजर टेस्टिंग होती है इंजन के ब्लेड्स और उसके डिजाइन की। इंजन के ब्लेड ही वो पार्ट है जो कि 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाते हैं और इससे इन ब्लेड की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होगा अगर हवा में प्लेन के ब्लेड से बाहर आ जाए? दरअसल अगर ब्लेड्स प्लेन के बाहर आ जाए तो ये बर्ड स्ट्राइक से भी ज्यादा नुकसान करेगा, बल्कि इससे प्लेन में बैठे यात्री भी इंजर्ड हो सकते हैं। अब इस वजह से हर ब्लेड की अच्छे से चेकिंग होती है कि वो पूरे तरीके से अटैच है या नहीं। अब इस टेस्टिंग को करने के लिए इसके अंदर एक्सप्लोजिंग वगैरह फोड़े जाते हैं और अगर इसमें मान लो कि प्लेन के ब्लेड्स बाहर आ जाए तो फिर उन ब्लेड्स को रिजेक्ट करके वापस रीडिजाइन करने के लिए भेजा जाता है और इसके पूरे डिजाइन को चेंज करने के बाद फिर से उस इफेक्ट और उस दबाव को ब्लेड के ऊपर डाला जाता है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है लाइटनिंग टेस्ट। दोस्तों, प्लेन पर बिजली गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अगर एक बार भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो पूरे इंजन को हवा में ही बंद कर सकती है और ऐसा साल में एक बार तो होता ही है। अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्लेन के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर ना हो। इससे बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कार्बन फाइबर के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जिससे अगर गलती से भी प्लेन के ऊपर बिजली गिरी तो वो उसका इफेक्ट लगभग ना के बराबर ही कर देता है और इस वजह से प्लेन के ऊपर पहली बार टेक ऑफ करने से पहले टेस्टिंग फेज में हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है और चेक किया जाता है कि प्लेन पर इसका कोई मेजर इफेक्ट ना पड़े। अब दोस्तों, इन सभी टेस्ट के पास होने के बाद ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर पास करती है और तब जाकर जहाजों की प्रोडक्शन शुरू की जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।